हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी 10x यूट्यूब चैनल। वैसे कैंडिडेट जिन्होंने CBSE बोर्ड एग्ज़ाम 2020 में दिया है और किसी भी कारण से फेल हो गए हैं, आप रीचेकिंग करा सकते हैं या आप कंपार्टमेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं। किस स्टूडेंट्स को रीचेकिंग करानी चाहिए? जो स्टूडेंट 1 to 5 मार्क्स की वजह से फेल हुए हैं, वैसे स्टूडेंट्स को रीचेकिंग करानी चाहिए। आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं आपको मार्क्स मिल जाएगा, तभी आपको रीचेकिंग करानी चाहिए। इस बार CBSE बोर्ड ने प्रोसेस भी चेंज किया है। क्लास 10th अप्लाई करने के लिए 1 सब्जेक्ट का आपको देने होंगे 500 रुपीज़, कॉपी के लिए आपको देने होंगे 500 रुपीज़, 1 क्वेश्चन के लिए 100 रुपीज़ आपको पे करना होगा। क्लास 12th अप्लाई करने के लिए 1 सब्जेक्ट का आपको देने होंगे 500 रुपीज़, कॉपी के लिए आपको देने होंगे 700 रुपीज़, 1 क्वेश्चन के लिए 100 रुपीज़ आपको पे करना होगा। अब बात करते हैं कंपार्टमेंट एग्ज़ाम की। COVID-19 की वजह से इस बार CBSE 10th का रिजल्ट 15 जुलाई को अनाउंस हुआ, जबकि 15 जुलाई को कंपार्टमेंट एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो जाता था। CBSE ऑफिशियल अनाउंसमेंट जारी किया गया है, 15 अगस्त तक कंपार्टमेंट एग्ज़ाम डेट जारी कर दिया जाएगा। जैसे ही CBSE बोर्ड द्वारा कंपार्टमेंट एग्ज़ाम से जुड़ी ऑफिशियल न्यूज़ जारी किया जाएगा, वैसे ही न्यूज़ हम आप तक लेकर आएंगे। जिन स्टूडेंट्स को कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देना है, आप अपना ध्यान पढ़ाई पर रखें। मैं एक नए वीडियो में आपको अमेजिंग स्टडी टिप्स देने वाला हूं। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।